बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जब भी क्लाइंट को चीज खरीदता है सम टाइम उससे छुपाई जाती हैं। हम आप लोगों को इस चीज से आज थोड़ा अवेयर करेंगे कि आप किस तरीके से बच सकते हैं प्लॉट खरीदते वक्त। तो आइए हमारे साथ, आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह के प्लॉट्स हैं यहाँ पे और उसकी रीजन क्या है कि वो सस्ते हैं, और जो अच्छी जगह के प्लॉट्स हैं उसकी रीजन क्या है कि वो महंगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहरिया टाउन कराची से मैं हूँ एहसन राणा और आज हम इस टाइम मौजूद हैं प्रीसेंट 4 के अंदर। बहुत से बायर्स व्यूअर्स हमारे स्पेशली ओवरसीज क्लाइंट्स जिनको कंफ्यूजन होती है प्रीसेंट 4 के अंदर के यहाँ पे 185 की कोटेशन भी होती है प्लॉट्स की, 210 की भी होती है, 2 करोड़ की भी होती है, तो ये प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है वो क्यों है। एक कैटेगरी हो पार्क फेस या कॉर्नर तो समझ आता है उसका प्राइस का ऊपर नीचे होना, लेकिन कुछ प्लॉट्स इतने सस्ते क्यों हैं और कुछ महंगे क्यों हैं, और सब स्पेशली बाय करते वक्त आपको किन किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए और जिससे भी आप अपनी डील क्लोज कर रहे हो उससे क्लियर चीज़ें बतानी भी चाहिए और आपको पूछनी भी चाहिए। इस टाइम हम जिस जगह खड़े हैं ये मेन इलामा इकबाल एवेन्यू है और ये जो हाइट वाला आप सारा एरिया देख रहे हैं प्लॉट्स का, इस जगह पर आपको अच्छा प्लॉट जो है वो 210 के करीब पड़ता है। ये आपको सबसे पहले मैं जगह दिखा दूँ, लोकेशन डिफाइन कर लूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो किस जगह की बात हो रही है। ये कंप्लीट एक टॉप हाइटेड एरिया है प्रीसेंट 4 के अंदर जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमें इस जगह पे प्लॉट चाहिए, लेकिन जितने भी यहाँ मैक्सिमम लोग रह रहे हैं वो उन्होंने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए रखे हुए और वो सेल नहीं करते। लेकिन इसी सेम हाइट की जगह के ऊपर मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा सीरीज़ जो कि आपको 180 लाख से लेके 190 लाख के बिटवीन आपको प्लॉट मिल जाता है। और उसका रीज़न क्या है स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए हमारा आज मकसद है वीडियो बनाने का, जो बाहर बैठे होते हैं जिनको जो चीज़ें होती हैं पिक्चर उनके सामने क्लियर नहीं होती कि रीज़न क्यों है, क्यों चीज़ सस्ती मिल रही है। आपके सामने ये प्लॉट है, आप देख सकते हैं। बहुत से लोग करते क्या हैं कि जब वो वीडियो मंगवाते हैं अपने क्लाइंट उनसे मंगवाते हैं तो वो सामने से वीडियो दिखा देते हैं कि यार ये हाइटेड एरिया है और ये आपके सामने प्लॉट, इतना सस्ता प्लॉट मिल रहा है इस जगह पे। आप लोकेशन को देखें कैसी लोकेशन है और ख़रीद लें आप, लेकिन चीज़ें बिल्कुल उसके बरक्स होती हैं। अब इस प्लॉट में मसला क्या है, ये सस्ता क्यों है, जगह वही है, हाइट वही है, लोकेशन वही है, लेकिन इसकी डिमांड 185-190 के आसपास क्यों है, ये सामने आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं। इस टाइम ये नीचे एक लेक है जिसको हम बरसाती नाला भी बोलते हैं और इस प्लॉट की जो कटिंग है वैसे 50x90 की होती है, लेकिन यहाँ तक जो ज़मीन है ये 45 तक है, उसके अलावा का जो बाकी का हिस्सा है ज़मीन का वो यहाँ पे कम्प्लीटली खाली है। ये आपके सामने जगह है, कैसे कम्प्लीटली जगह खाली है, इस जगह पे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि जो ज़मीन है वो उसकी मिट्टी यहाँ पे काफ़ी नर्म है, और इसके अलावा अगर आप इसकी फिलिंग भी करना चाहते हैं तो वो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके पीछे एक रिटेनिंग वॉल आपको बनानी पड़ेगी, उसके अलावा आप यहाँ पे बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और यही रीज़न है कि ये प्लॉट जो है वो इतने सस्ते एक प्राइस के ऊपर मिल रहा है एज़ कम्पेरेटिवली बाकी प्लॉट जो प्रीसेंट 4 के अंदर है। वो 2-4 पैसे बचाने के चक्कर के अंदर आपको चीज़ मिल जाती है, लेकिन वो फिर आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा तंग करती है। जिस तरह हम मार्केट में कोई अपनी गाड़ी लेने जाएँ तो हमें समटाइम सस्ती चीज़ तो मिल जाती है यूज्ड कार, बट फिर वो 6 माह वर्कशॉप में खड़ी रहती है और आप जलील होते हैं। तो सेम जो है स्नैरियो यहाँ पर भी है, कल को आपको बेचते हुए ऐसा प्लॉट बहुत मुश्किलें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो बेटर ये कि आप एक ही बार अच्छी चीज़ लें जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर तंग ना करें। हम प्रीसेंट 4 के ही बिच क्रॉस करके एक एरिया के ऊपर खड़े हैं जो एक कॉर्नर प्लॉट है, आपके सामने प्लॉट है। इस प्लॉट की जो कीमत है इस टाइम पे ये 180 के आसपास है। अब ये कॉर्नर प्लॉट भी है, इसके हर चार्जेस कॉर्नर के पोजेशन के यूटिलिटी के पेड हैं, लेकिन ये सस्ता क्यों है, इवन कॉर्नर होने के बावजूद ये सस्ता इसकी डिमांड क्यों है मार्केट के अंदर। अब देखने को आपको चीज़ें इस तरह क्लियरली एक्सप्लेन नहीं होती, मैं कैमरा अपना पकड़ के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इसको देखते हैं तो बिल्कुल ये आपको क्लियर लगेगा दिखने में प्लॉट, इसमें ऐसा वैसा कोई इशू आपको नहीं मिलेगा देखने के अंदर। बट इसकी जो स्केच है या मैप के ऊपर जो कटिंग है वो फ्रंट इसका छोटा है और पीछे से ये वाइड होता जाता है।
अब इसको हम समोसा कटिंग भी कहते हैं। और कल को अगर आप इस पर घर कंस्ट्रक्ट करते हैं और आप सेल करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, तो ऐसी चीज़ के ऊपर जो रेट है वो बहुत कम लगता होता है। और वैसे एक चीज़ बनी अच्छी लगती है कि सामने उसका फ्रंट छोटा हो और वैसे पीछे से जैसे जैसे जाए वो वाइट होता जाए। तो ये मसले मसाइल हैं प्लॉट्स के अंदर, लेते वक्त आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन बाद में इशू करती हैं। इसके ऑपोजिट एक और कॉर्नर प्लॉट सेम प्राइस रेंज के अंदर देखने में बिल्कुल एक ठीक उसकी लगती है, आप जज नहीं कर सकते। और इसमें अंदर अब ये इशू है कि इसका जो फ्रंट है वो ज़्यादा वाइड है, लेकिन जैसे ये प्लॉट की कटिंग पीछे को जाती है तो आगे से तंग होती रहती है। समझ रहे कि आप खुली गली में जा रहे हैं और आगे जाके वो गली तंग हो रही है। तो प्लॉट्स लेते वक्त आप जिस मर्ज़ी से डील कर रहे हो ये चीज़ें आप पहले क्लियर करें, उसे कहें आप डिफाइंड होनी चाहिए चीज़ें कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं क्या नहीं है, इसकी वजह क्या है सस्ता होने की, ये मार्केट से क्यों सस्ता मिल रहा है। और कोई मज़ीद कंसल्टेशन के लिए या बाइंग सेलिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।